हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं ममता। आइए जानिए मटर पनीर कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैं आधा किलो पनीर लिया और आधा किलो मटर ले लिया और 3 टमाटर और थोड़ा अदरक। तो दो अदरक और टमाटर को दोनों कट कर दिए। यहाँ पे मैं कुछ गरम मसाला ले रखी हूँ, तेज़पत्ता, 2 तेज़पत्ता, जीरा, लौंग और दालचीनी। सबको तेल में फ्राई कर दिए और अदरक टमाटर को जो कट करके हमने रखा है उसको भी डाल दीजिए उसमें। सबको अच्छे से फ्राई करिए। जब थोड़ा थोड़ा फ्राई हो जाएगा उसमें नमक और हल्दी थोड़ा थोड़ा करके आप डाल दीजिए। तो जब वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा, उसको मसाला रेडी हो गया, उसको थोड़ा ठंडा करके आप ग्राइंडर में उसमें पेस्ट लेना, उसमें थोड़ा काजू भी डाल देना। फिर उसके बाद कढ़ाई में तेल डाल के वो मसाला को सारे कढ़ाई में डाल दीजिए। अच्छे से उसको फ्राई करिए और ग्राइंडर में जो थोड़ा मसाला लगा हुआ है उसमें थोड़ा पानी डाल के उसमें भी डाल दीजिए। अच्छे से उसको फ्राई करिए जब तक ये तेल ना छोड़ दे। देखिए मसाला रेडी हो गया। यहाँ पे मैं लाल कमल की मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ। उसमें एक कटोरे में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर सारे मिक्स करके उस जो कढ़ाई में जो मसाला आप भून रहे हैं उसमें डाल दीजिए। अच्छे से उसको फ्राई करिए। थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिए उसमें। याद रखिए आप गर्म पानी भी यूज करेंगे तो अच्छा बनेगा। उसको अच्छे से हिलाइए। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए और थोड़ा सा चीनी भी डालिए क्योंकि सब्जी में मिठास आएगा। देखिए हमारे सब्जी भी कितना अच्छी लग रहे हैं। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे दूध यूज़ कर रही हूँ, गाय का दूध है। आप 250 ग्राम की दूध आप ले सकते हैं और उसमें जो बना हुआ मसाला में उसमें डाल दीजिए। देखिए कितना कलर कितना अच्छा लग रहा है। अच्छे से उसको मिक्स करिए और जो मटर को मैंने उबाल के रखी थी वो मटर और पानी उसके साथ डाल दीजिए। उसके बाद जो कट करके मैंने पनीर रखा था, जो आधा किलो की पनीर है, उसको आप वो मसाला में डाल दीजिए। पनीर को हम फ्राई नहीं, यहाँ पे फ्राई नहीं किया है मैंने, बस डायरेक्ट पनीर को मैंने डाला है, कच्चा पनीर को। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। और यहाँ पे मैंने 2 इलायची और थोड़ा सा दालचीनी लेके मैंने कूट लिया। देखिए कितना सुंदर पाउडर बन गया इसका। और वो जो कूटा हुआ पाउडर को आप उस ग्रेवी में डाल के 2-3 मिनट के लिए अच्छे से उसको उबाल लीजिए, ठीक है? और उसका टेक्स्चर भी आ जाएगा। देखिए ग्रेवी का कितना सुंदर आ गया। ये मटर पनीर अब रेडी हो गया। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।